हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 के 15 से 21 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। हम डिटेल में चेक करने वाले हैं एंड उसके साथ हम देखने वाले हैं क्या क्या गाइडेंस हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो आपको बस पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर हम आपके लिए एंजल्स आंसर भी लेने वाले हैं। इस टाइम पर आप एंजल से कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, तो वो जैसा अच्छा समझे डेफिनेटली आपको वैसा ही आंसर दे देंगे। सो देख लेते हैं बॉटम द डेक। सो देखो, यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके मन में आपकी लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा तरीके से कुछ वरी है, कुछ टेंशन है। यानी आपका लव लाइफ इस टाइम पर तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे दिख रही है। रिसेंट कुछ डेज से या फिर रिसेंट कुछ महीनों से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रही हैं। कुछ चीज़ों के लिए ना आप एकदम से गिल्ट महसूस भी कर रहे हो, यानी कुछ चीज़ें शायद आपको नहीं करना चाहिए था बट आपने कर दिया है। कुछ चीज़ों को आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था आपके लव लाइफ में बट आप वो भी कर चुके हो एंड उससे आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए शादी से रिलेटेड भी मसले दिख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपके रातों की नींद कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो देख लेते हैं कि इस टाइम पर 15 से 31 तारीख के अंदर क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। सो देखो, यहाँ पर कार्ड्स तो बढ़िया दिख रहे हैं मुझे, एनर्जीज भी बहुत ब्यूटीफुल आई हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस हैं, आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, उसके साथ यहाँ पर एंड कैंसर की एनर्जी अलग से है। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ से मुझे दिख रही है कि इस टाइम पर आपके साथ जस्टिस होने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, ये एक मेजर अरकाना है। इस टाइम पर आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल आपको दिया जाएगा, कुछ वेट का फल आपको दिया जाएगा। लव लाइफ के साइड से मुझे दिख रहे हैं कि आपने शिद्दत से कुछ काम किया है, शिद्दत से किसी के लिए वेट किया है, एफर्ट लगाया है किसी एक चीज़ में, तो उसके ही वजह से इस टाइम पर आपके पास कुछ अच्छा रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। वहाँ से कुछ अच्छा फीडबैक आपको मिलने वाला है। आप अगर किसी के कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस के लिए वेट कर रहे थे, किसी एक पर्सन के वापस आने के लिए वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से कुछ चीज़ें आपको रिसीव होने वाला है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में ना बैलेंस क्रिएट होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि इस टाइम पर सिचुएशन ही कुछ ऐसा रहेगा जिससे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। यानी इस टाइम पर कोई एक पर्सन आपको अच्छे से समझने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी एक इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा था तो वो इंसान इस टाइम पर आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। अगर आप किसी की तरफ से कुछ माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आप माफ़ी के लिए वेट कर रहे थे तो वो चीज़ भी आपके तरफ आती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं एक रीयूनियन की चांस भी मुझे दिख रही है। फाइन, तो इस टाइम पर आपको कुछ चीज़ों में ना रिकन्सिडर करने को बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यानी कार्ड्स बता रहे हैं आपको एक बार और मौका देना चाहिए, किसी एक इंसान को माफ़ करके फिर से एक नया शुरुआत आपको कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टू ऑफ वॉइसेस हैं, यानी इस टाइम पर कुछ चीज़ें ना आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे, होगा नहीं, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में हैं। यानी अगर आपके दिमाग उस चीज़ को करने के लिए बोलेगा तो आपके दिल रोकेगा, अगर आपका दिल करने जाएगा तो आपका दिमाग रोकेगा, एंड उसके साथ में ही आपके सराउंडिंग्स के कुछ पीपल्स भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। वो आपकी फैमिली हो सकते हैं या फिर आप जिनको पसंद करते हो उनके फैमिली हो सकते हैं या फिर वो इंसान खुद हो सकते हैं। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में, कुछ चीज़ों को आप एकदम से फ्रीली नहीं कर पाओगे, आपको ब्लॉकेजेस फेस होगा। यहाँ पर किसी एक इंसान का यानी कोई एक थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व दिख रही है। इस टाइम पर वो इंसान आपके आंखों में ना पट्टी बांध के रखने वाले हैं, यानी कुछ चीज़ें आपको दिखाई देगा बट दिखाई नहीं देगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगा बट नहीं आएगा, ऐसा एक सिचुएशन दिख रही है आपके लिए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है
हाई प्रिस्टेस है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक मेजर अरकाना है, बेहद ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। इस टाइम पर आपके ना इनर पावर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, आपका इंट्यूशन एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसे चीजों को आप नोटिस करने वाले हो, कुछ ऐसे चीजों को आप इस टाइम पर रियलाइज करने वाले हो जो चीज आपके आंखों के सामने नहीं है या फिर आपके आंखों के सामने नहीं हो रहा है, उस चीज को भी आप महसूस कर पाओगे। यानी सपोज मान लो किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा तरीके से भूख लगी है, बट वो इंसान आपके सामने एक्टिंग कर रहा है कि नहीं उसको भूख नहीं लगी है, तो इस टाइम पर आप उनके दिल की बातों को ना समझते हुए दिख रहे हो। तो आप इस टाइम पर न लोगों के बाहरी हिस्से को नहीं अंदर के हिस्से को पहचानते हुए दिख रहे हो, एंड जिसके ही दौरान आपके लव लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एकदम से ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है। कुछ चीजों का आंसर जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे ना, उस चीज का आंसर भी आपको इस टाइम पर मिलते हुए दिख रहे हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स ऑफ वॉइसेस हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी हैं। इस टाइम पर आप एक ऐसे जगह पर खड़े रहोगे लव लाइफ के साइड से जिस सिचुएशन से आप वापस नहीं आ सकते हो, जिस सिचुएशन को आप छोड़ भी नहीं सकते हो, जिसके वजह से ही ना इस टाइम पर आप कुछ चीजों को रिलीज करना चाहोगे, कुछ चीजों को लेट गो करना चाहोगे। वो फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है। एंड देखो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक लव ट्रायंगल दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है मुझे, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको सिचुएशन से इस टाइम पर ही बाहर निकल लाएगा। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके बहुत अच्छे लव पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, बट जो भी इंसान होगा आपके दिल के बहुत करीब होगा, यानी आपके साथ उनका वाइब्स मैच करेगा। ओके, सो डेफिनेटली आप एकदम से प्रॉब्लम में फंसते हुए दिख रहे हो, प्रॉब्लम से निकलते हुए भी दिख रहे हो। एंड यहाँ पर ये जो लास्ट कार्ड है आपके लिए, वहाँ पर बहुत अच्छा एक एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इस टाइम पर आप मल्टीटास्किंग करने वाले हो, एक साथ बहुत सारी चीजों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। यानी इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आती हुई दिख रही है। वो कुछ भी हो सकता है, हर एक के लिए हर एक टाइप के जिम्मेदारियां होने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि आप एक झूठ को छुपाने वाले हो, उसके लिए आप और ज्यादा झूठ कहते हुए दिख रहे हो उसको ढकने के लिए। फाइन, सो ऐसा सिचुएशन दिख रही है बहुत कम लोगों के लिए। देखो इस टाइम पर आपका लव लाइफ बहुत सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक मेजर रोल आप प्ले करने वाले हो आपकी लव लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सेंटर में हाई प्रिस्टेस आया है। तो देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। देख लेते हैं, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। फाइन, सो देख लेते हैं, यहाँ पर है लकी ऑन योर साइड। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस टाइम पर लक आपका साइड में रहेगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस लक्ष्य भेदो, यानी जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, उसके ऊपर आप काम करो, शिद्दत से काम करते जाओ, रिजल्ट डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, आपके पास रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इस टाइम पर आप कुछ चीजों के ऊपर एक्शन भी ले सकते हो। तो लक आपके साइड में रहेगा, बहुत सारे कामों में आपको सक्सेस दिखाई देगा, एंड कुछ काम तो आपको ईजिली होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो सक्सेस बहुत ज्यादा नजदीक है आपके। आपको इस टाइम पर ये वाइब्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आप पहले से ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगोगे। एंड अगर आप किसी की तरफ से कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज भी इस टाइम पर आपके पास आता हुआ दिख रही है मुझे। चांसेस बहुत ज्यादा है। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी आंसर देना होगा एंजल दे देंगे। यानी यस और नो में भी आंसर आ सकता है आपके पास, कुछ और भी आ सकता है। आई होप आपने पूछ लिया है। फाइन, सो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आया है यस, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आंसर आया है, जो भी आपका क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आंसर आया है यस। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है आईआर फ्रॉम नाउ। फाइन, तो देखो जो भी चीज आपने पूछा था उसके अकॉर्डिंग चीजें अभी से लेकर आने वाले एक साल के अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी को एक दिन के अंदर भी मिल सकता है, किसी को एक महीने के अंदर भी मिल सकता है, बट सभी को अभी से लेकर एक साल के अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो बारिश हो रही है बाहर, बहुत रोमांटिक वेदर है। सबका रीडिंग भी बहुत ब्यूटीफुल आई है। आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर लव आती हुई दिख रही है, रोमांस भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो बाय।